पूरे विश्व में जितने महापुरुष नहीं होंगे उतनी मूर्तियां बाबा साहब अंबेडकर जी की पूरे विश्व में है। आज मैं मध्य प्रदेश के धरती पर हूं। यह ऐसा राज्य है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। कुछ ही दूरी पर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मभूमि है। एक तरफ जापान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई है। यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा है। चार साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करते समय बराक ओबामा का नाम पता है आपको? यूएस एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करते समय कहते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम इस सूरज का नाम बदलकर उसको अंबेडकर करते। एक तरफ पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को इतना मान सम्मान देता है, पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान देता है, और जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ है उस राज्य में बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण की अनुमति नहीं मिलती। ये शर्म की बात है आपके कलेक्टर के लिए, आपके प्रशासन के लिए और इस मध्य प्रदेश के सीएम के लिए। ये शर्म की बात है। ऐसे लोगों ने डूब मरना चाहिए जो लोग जिस एग्जाम को पास करके आप कलेक्टर बने हो उस एग्जाम का नियोजन भी बाबा साहब अंबेडकर ने किया हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का नियोजन भी बाबा साहब ने किया हुआ है। अरे उनकी बदौलत ये लाल गाड़ियों में घूम रहे हो, ये नागपुर के कैमरे लगे हुए देखो पीछे, आईबी के लोग घूम रहे हैं नागपुर जी। आज मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के, मैंने अनावरण नहीं किया, मैं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं जब तक कलेक्टर इज्जत से फिर नहीं बुलाता तब तक नहीं। आज मुझे महाड़ के चौदार तालाब की याद आ रही है। आप लोगों ने पता है, आप लोगों को महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन 1927 में 20 मार्च 1927 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया और पानी पीने का पहला अधिकार बाबा साहब ने वहां से प्राप्त किया। लेकिन यह अधिकार मिलने से पहले 1924 में ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि महाड़ का चौदार तालाब आज से सभी लोगों के लिए खुला है, सभी लोगों के लिए खुला है। बाबा साहब ने देखा 1924 उलट गई, 1925 उलट गई। अच्छा ये देखो मुझे चिट्ठी आई है कि कलेक्टर महिला है। इस महिला कलेक्टर को तो 4 बार बाबा साहब को नमन करना होगा। अगर बाबा साहब ने इस देश के महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता तो आज क्या ये महिला कलेक्टर बन पाती? जिस मोहन भागवत के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं वो मोहन भागवत महिलाओं के लिए क्या करता पता है? क्या इस महिलाओं को चूल्हे के सामने ही बैठना चाहिए? ये विचार रखते हैं महिलाओं के लिए। ये अचंभे की बात है कि कलेक्टर महिला होने के बावजूद बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ जाता। उन्नीस में जब महाड़ के चौदार तालाब का पानी पीने की अनुमति उस समय के म्यूनिसिपालिटी, जैसे आज आपकी ग्राम पंचायत ने आपको अनुमति दे दी थी, उस समय के ग्राम पंचायत ने अनुमति दे दी थी कि यह तालाब आज से सबको सबके लिए खुला। लेकिन वहां का सवर्ण
उसको लगा इन लोगों को कैसे अधिकार दे। हमारा समाज डरा हुआ था, हमारे लोग डरे हुए थे। बाबा साहब ने देखा 1924 चली गई, 1925 चला गया, ये लोग इंसान है, दो हाथ दो पैर वाले इंसान है, जानवर पानी पी रहा है लेकिन इंसान पानी नहीं पी रहा, कुत्ता भेड़ बकरी उस तालाब से पानी पी रहे हैं लेकिन इंसानों जैसे इंसान ये पानी को हाथ लगाने से डर रहे। बाबा साहब ने क्या किया, छोटे 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 मीटिंगें ली, सभा ली और इन लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों में जान फूकी और 20 मार्च 1927 को इन सभी को इकट्ठा करके बाबा साहब उस महाड़ के चौदार तालाब पर गए। पहले बाबा साहब ने पानी पिया और बाबा साहब को देखते देखते 50,000 लोगों ने पानी पिया। ये पानी पीने का आंदोलन बाबा साहब नहीं कर रहे थे। आज आप यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हो, आज आपको पता चलेगा ये बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, अब ये कुछ और ही हो रहा है। वो क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बाबा साहब ने देखा कि ये जो लोग इंसान हैं, जानवर बिना डरे पानी पी रहा है और इंसान डरा हुआ है। बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम बाबा साहब ने किया। और फिर बाबा साहब ने घोषित किया कि फिर आएंगे 25 दिसंबर 1927 को फिर आएंगे। और फिर बाबा साहब 25 दिसंबर को उस महल के चौदार तालाब के लिए निकले। जैसे ही वहां पर पहुंचे पुलिस वाला बाबा साहब को मिलने के लिए आया और पुलिस वाले ने कहा, अंग्रेज पुलिस वाले ने कहा कि बाबा साहब सवर्णों ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि आप ये चौदार तालाब का पानी नहीं पी सकते और वहां पर स्टे ऑर्डर आया, इसलिए अगर आप वहां पर जाते हो तो मुझे आपको अरेस्ट करनी होगी और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना होगा। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब हम जेल में बैठने के लिए तैयार है, हम उस चौदार तालाब पर जाएंगे। बाबा साहब सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अंग्रेज अधिकारी कह रहा था कि बाबा साहब हम आपके अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमने ही तो आपको अधिकार दिया था, लेकिन यहां के सवर्णों ने आपके खिलाफ कोर्ट में याचिका की है और आपको रोक लगाई। बाबा साहब ने सोचा कि ये जो सवर्ण है, ये सवर्ण क्यों हमें पानी पीने नहीं दे रहा, क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ, और उसका धर्म ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब बाबा साहब को पता चला कि इस मनुस्मृति के कानून के अनुसार हमको पानी पीने के लिए जाने से मनाई किया जा रहा है, तब बाबा साहब महाड़ के चौदार तालाब पर नहीं गए, बल्कि उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया कि इस मनुस्मृति के लिए आप हमको पानी पीने नहीं दे रहे हो, इस मनुस्मृति के लिखे हुए कानून के लिए आप हमको महाड़ के चौदार तालाब पर जाने के लिए नहीं दे रहे हो। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति चलाई है, आज 2021 तक वो अपना सर भी ऊपर उठा नहीं पा रही है। अब यही प्रसंग 2021 में थोड़ा सा ज्वाइन करके देखो, आपका ग्राम पंचायत आपको बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करने की परमिशन देती है कि नहीं देती है, लेकिन आपका कलेक्टर आपका प्रशासन कहता है कि नहीं देंगे। आप मुझे बताओ, आप इंसान हो, इंसान हो, अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारते हो तो वो कुत्ता पत्थर को काटेगा या मारने वाले को काटेगा, तो ये जो कलेक्टर है ये पत्थर है। कलेक्टर जो है सिर्फ पत्थर है, मारने वाले हाथ दूसरे हैं। हमें कलेक्टर एसपी डीएसपी इनके साथ कोई बैर नहीं है, ये तो किसी और के गुलाम हैं। बाबा साहब अगर उस समय 1927 में
अड़ जाते कि नहीं हमें पानी पीने के लिए जाना है तो बाबा साहब मनुस्मृति नहीं कराते। और आज भी हम लोगों को बाबा साहब ने उस समय मनुस्मृति की व्यवस्था को जलाया जो आज तक सर ऊपर नहीं उठा पा रही है। और आज भी हमें जिस व्यवस्था ने हमको बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के अनावरण से रोका है, हमें आज उस व्यवस्था को जलाना होगा और आने वाले 100 साल तक जो व्यवस्था इस देश में बन रही है वो फिर से नाम लेने के लिए भी शेष नहीं बचेगी। ऐसी व्यवस्था हमको आज से करनी होगी कि आने वाले 100 साल के बाद भी बीजेपी आरएसएस नाम का कोई संगठन था ये भी हमारे लोगों को याद नहीं होना चाहिए। देखिए आज की व्यवस्था में, देखिए आज यहां पर मेन गांव पिपराटा में आप बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। कलेक्टर ने आपको यहां से रोका, प्रशासन ने आपको यहां पर अनावरण करने से रोका, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण यहां पर करने से अच्छा है एक एक अंबेडकर अपने घर में तैयार करो, एक एक अंबेडकर अपने घर में तैयार करो। मैं आज यहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट करता हूं, आपके मेनगांव पिपराटा में से मुझे एक बच्चा डोनेट करो, उसको आयस बनाने की जिम्मेदारी, उसका खर्चा मैं उठाता हूं, उसको कलेक्टर बनाने का सारा खर्चा मेरा होगा। इस तरह से हमको बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन के लिए काम करना। आज जो व्यवस्था इस देश में बनी है, देखिए मैं तो आपके प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, सीए के लिए जो कानून जब बना था साल भर से मुस्लिम लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे, कोविड के वजह से फिर उनको जाना पड़ा। अब पिछले 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 1 साल से मुस्लिम रास्तों के ऊपर है, 2 महीने से 3 महीने से किसान रास्तों के ऊपर है। हम लोग अगर रास्तों के ऊपर बैठना शुरू करते तो हमको 6 महीने 3 महीने 1 साल नहीं लगेगा। 31 दिसंबर 1817 से लेकर 1 जनवरी 1818 एक दिन लगेगा, सिर्फ एक दिन हमारा इतिहास है विवाह कोरेगांव का। हम लोग अगर रास्तों के एक दिन में इस व्यवस्था का हम परिवर्तन कर सकते हैं, इस व्यवस्था को उलट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी हम प्रशासन के ऊपर छोड़कर नहीं चलेगा, सारा दोष प्रशासन के ऊपर छोड़कर नहीं चलेगा। इनको लाया भी तो हमने ही। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए हैं, क्या वो अधिकार हम सुरक्षित रख पाए? क्या वो अधिकार उनकी रक्षा हम कर पाए? क्या बाबा साहब किस संघर्ष में बाबा साहब ने हमको अधिकार प्राप्त करके दिए हैं, क्या उसकी जानकारी हम लोगों को है? आज ऐसे लोग हमारे सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, ये किनके वोटों के वजह से? बाबा साहब अंबेडकर जी जब भारत में आए पढ़ाई करने के बाद, तब उस समय अंग्रेजों के शासन में एक नया कानून, एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का निर्माण हो रहा था। और उस कानून में, उस संविधान में इस देश के लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, इसकी सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। साउथ ब्यूरो कमेटी, साइमन कमीशन भारत में आ रहे थे, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, उनके मत जान रहे थे। और ऐसे ही 1917-1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी, साइमन कमीशन भारत में आया और उन्होंने इस देश में वोट का अधिकार किन किन लोगों को देना चाहिए इसके लिए मुलाकात उन्होंने शुरू कर दी। इस मुलाकात के लिए उन्होंने गांधी को बुलाया, तिलक को बुलाया, नेहरू को बुलाया। गांधी का, तिलक का कहना था कि इस देश में वोट देने का जो अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को मिलना चाहिए, सिर्फ 3 वर्गों। अंग्रेजों ने पूछा कौन से 3 वर्ग? गांधी जी ने कहा कि
जो लोग पढ़े लिखे हैं कम से कम आठवीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में होना चाहिए। दूसरा वर्ग जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में होना चाहिए। और तीसरा वर्ग इस देश के राजा महाराजा और संस्था ने इन लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब बाबा साहब को इस बात का पता चला कि गांधी जी ने इस तरह की मांग अंग्रेजों के सामने रखी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमिटी को, साइमन कमीशन को मुलाकात देकर कहा कि गांधी जी के निकषों के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार लागू करोगे तो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने पूछा कैसे नहीं मिलेगा हमें बताओ। बाबा साहब ने मनुस्मृति के कानून के अनुसार हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं हो तो आठवीं पास होने का सबूत कहां से लाएंगे। मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, नौकरी करने का अधिकार नहीं है, व्यवसाय बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। अगर हम लोगों के पास पैसे ही नहीं हो तो टैक्स किसके ऊपर भरेंगे, टैक्स की रिसीट कहां से लाएंगे। और राजा महाराजा तो हम लोग को है ही नहीं, तो हमको तो वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा तो बाबा साहब आपके लोगों को अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमें क्या करना होगा। बाबा साहब ने कहा एक तो हम आपको आठवीं पास होने का सबूत नहीं दिखा सकते, इनकम टैक्स की प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात जरूर आपको साबित करके देंगे। अंग्रेजों ने कहा कौन सी। बाबा साहब ने कहा हम इस देश में पैदा हुए हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए अगर आपको इस देश में वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए, हमारी उम्र के आधार पर दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस बात को मानते हुए अंग्रेजों ने एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का कानून तैयार किया। आज भी यह एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लागू है। उस समय अंग्रेजों ने 21 साल के हर स्त्री को और हर पुरुष को वोट देने का अधिकार दे दिया। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से हम लोगों को, सभी भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन क्या ये अधिकार हम लोग सुरक्षित रख पाए। अभी तो चलो जैसे हम कहते हैं कि तोते की वो जो राक्षस की जान तोते में होती है, वैसे मोदी जी की जान ईवीएम में है। तो ये ईवीएम का टेटवा जैसे ही दबेगा बीजेपी गिरते 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 जीरो हो जाएगा। लेकिन शुरुआत से 1952 में पहली इलेक्शन हुई, क्या उस समय से लेकर आज तक हम अपने अधिकार को बचा पाए। कांग्रेस के एक ज्येष्ठ कृपलानी नाम के कार्यकर्ता थे, सांसद थे, वो बाबा साहब को मिलकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपने इतने मेहनत से इतने संघर्ष से इन लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, आपके लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन आपके लोग तो गरीब हैं, आपके लोग लाचार हैं, वो लोग अपने वोट का अधिकार बेच देंगे और उनके वोट हम खरीदकर अपनी सत्ता बना लेंगे, हम अपनी सत्ता बनाएंगे, तब आपका यह अधिकार खत्म हो जाएगा, आपका संघर्ष माटी में मिल जाएगा। बाबा साहब ने उस कृपलानी को जवाब दिया, कृपलानी मैं जानता हूं कि मेरे लोग गरीब हैं, मैं जानता हूं कि मेरे लोग लाचार हैं, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को मेरे संघर्ष के बारे में पता चल जाएगा उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी इस देश में कोई नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन हमारे पुरुषों ने वो वोट का अधिकार शराब पर बेच दिया, शराब के लिए बेच दिया। मैं आप लोगों को बाबा साहब की कुछ किस्से बताता। बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए लंदन में जाया करते थे, ग्रेस इन में जाया करते थे, न्यूयॉर्क में जाया करते थे, आज भी
कनाडा का तापमान -2 डिग्री है, बर्फ गिर रहा है। एक ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे हालात में बाबा साहब वहां पर रहा करते थे। इतनी ठंड में वहां के डॉक्टर्स बाबा साहब को आकर कहते थे कि बाबा साहब इतनी ठंड में अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो ये डॉक्टर ब्रांडी, ये शराब दवाई के तौर पर तो लीजिए, दवाई के तौर पर। जीने मरने का प्रसंग होने के बावजूद बाबा साहब ने कभी शराब की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया। और उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी के वोट के अधिकार को हम शराब पे बेच आते हैं। क्या मोदी से पहले हम कसूरवार नहीं है? क्या हम दोषी नहीं है? और हमारी महिला वो सोचती होंगी, हाँ हमारे पुरुषों ने बेच दिया, हमने नहीं बेचा। महिलाओं के वोट का अधिकार कैसे छीना पता आप लोगों को? साड़ियों के साड़ियां बांटते, साड़ियां बांटते, साड़ी लेके जाओ वोट देके जाओ। मैं आज देखिए आज माता रमाई के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहां पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के आए। माता रमाई की एक याद बताता हूं। बाबा साहब जब पीएचडी होकर बंबई लौट रहे थे तो बाबा साहब के कार्यकर्ताओं को पता चला कि बाबा साहब इस बोट से आने वाले हैं और जैसे ही बाबा साहब मुंबई में उतरेंगे उनका सत्कार हम आयोजन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के सत्कार के आयोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर पर माता रमाई को पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं और उनका सत्कार होने वाला है। माता रमाई ने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की, क्या? कि अपने पति का, मेरे पति का सत्कार मुझे अपनी आंखों से देखना। एक छोटी सी इच्छा माता रमाई ने व्यक्त की कि मेरे पति का सत्कार मुझे होते हुए देखना है। लेकिन माता रमाई की समस्या क्या थी बता? माता रमाई की एक समस्या थी कि उनके पास एक भी अच्छी साड़ी पहनने के लिए नहीं थी। जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी। अब पीएचडी प्राप्त करके आए हुए बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार होने वाला और उनकी पत्नी ऐसे फटे साड़ी में जाए, अच्छा लगेगा? माता रमाई सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊं बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए, मैं कैसे जाऊं अपने पति का सत्कार इस फटे हुए हाल में? लोग बाबा साहब को ताना देंगे कि देखो अपने पति को किस हालत में रखा। माता रमाई सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊं। तब माता रमाई को याद आया कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार करते समय एक पगड़ी उनको पहनाई थी, पगड़ी, और वो पगड़ी उन्होंने संभाल कर ट्रंक में रखी हुई। माता रमाई ने वो ट्रंक खोली, वो पगड़ी निकाली और जहां जहां पर वो साड़ी पटी है वहां वहां पर लपेट कर माता रमाई बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए गए। अब पति का सत्कार हो रहा है तो पत्नी ने मंच पर आकर बैठकर देखना चाहिए, लेकिन माता रमाई मंच पर नहीं आई, कम से कम पहले रो में बैठकर। वहां पर भी माता रमाई नहीं आई। जहां पर बाबा साहब का सत्कार चल रहा था वहां पर एक पेड़ के पीछे चुप चुप कर बाबा साहब का सत्कार माता रमाई देख रही थी, चुप चुप कर। अब बाबा साहब का ध्यान पूरे समाज पर, उन्होंने उतनी भीड़ में देखा कि मेरी पत्नी पेड़ के पीछे चुप चुप कर मेरा सत्कार देख रही है। और वो चुप कर ही क्यों देख रही है? इसकी वजह भी बाबा साहब को पता चली कि माता रमाई आगे क्यों नहीं आ रही। बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार संपन्न हुआ, बाबा साहब मन से नीचे उतरे और उस पेड़ के दिशा में चलते हुए गए। माता रमाई का हाथ अपने हाथ में लिया और माता रमाई से कहा, रामू रामू मुझे अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, मुझे अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। आज आप इस कार्यक्रम में आने के लिए घर में सबसे अच्छी साड़ी पहनकर आए थे, है ना? बंबई में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमारे महिलाओं की परिस्थिति इतनी बदल गई है कि वो जो कबोल होता है अलमारी,
खोलते ही धाम करके साड़ियां नीचे गिर जाती है। ये परिवर्तन कैसे हुआ पता है? माता रमाई अगर उस समय फटी हुई साड़ियां नहीं पहनती तो आज भी आपके शरीर पर अच्छी साड़ियां नहीं आती। ये माता रमाई का प्यार है, ये माता रमाई का बलिदान है। इसी माता रमाई के त्याग को, बाबा साहब के बलिदान को हम साड़ियों पे भेजा गया, साड़ियों पे भेजा गया। और हमारा युवा 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, चाहे जिस पार्टी का झंडा अपने गाड़ी पे लगाता है, घूमता रहता है। आज कांग्रेस का झंडा, कल बीजेपी का झंडा, 100-200 रुपए के लिए हमारे लोग किसी और का झंडा हाथ में लेकर उसका प्रचार करते रहते। सोचिए, अगर पैसे पैसे कमाने के लिए अगर बाबा साहब अंबेडकर सोचते कि अभी मेरी बैरिस्ट्री हो गई है, मेरी पीएचडी हो गई है, अब मुझे मेरे परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, अगर बाबा साहब उस समय नौकरी या व्यवसाय करते, बिजनेस करते, हर साल इस देश में अमीरों की सूची बनाई जाती है कि इस देश का सबसे अमीर कौन। हर साल अमीरों की सूची में अंबानी का नाम पहले क्रमांक पर होता है। उस समय अगर बाबा साहब अंबेडकर सोचते कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो मैं आज गारंटी से कहता हूं कि आज 2021 में भी सबसे अमीरों के सूची में अंबानी का नहीं, अंबेडकर का नाम पहले क्रमांक पर होगा। इतने पैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कमा सकते थे, लेकिन मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है इस बात पर कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी या व्यवसाय नहीं किया। नौकरी या व्यवसाय किया होता तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते, मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता। लेकिन बाबा साहब ने नौकरी व्यवसाय किया नहीं, उसके बदले में ये करोड़ों का समाज बाबा साहब तैयार करती है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए हक और अधिकार को सुरक्षित रखना। क्या कहते हैं बाबा साहब कि मैंने जो तुमको ये अधिकार दिया है वोट का, इसे नमक या मिर्ची जैसा मत समझो। इससे पहले आपके ऊपर राज करने वाला राजा रानी के पेट से तैयार होता था, आप लोगों में से तैयार होगा, वोट पेटी में से तैयार होगा। ये बाबा साहब ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, इसे कम मत समझो। आज इस वोट के अधिकार को जीरो कर दिया गया। जिस सत्ता को हम लोग वोट देकर चुनकर लाते हैं, ये उसके बाद पैसों से एमएलए को खरीद कर नई सत्ता बना देते। जीरो हो गया ना आपका वोट का अधिकार, जीरो कर दिया गया। और इसलिए आज हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए हक और अधिकार को सुरक्षित रखने का, इतने सालों में बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद क्या हमने कोई नया अधिकार प्राप्त किया है? तो कम से कम जो बाबा साहब ने दिया है उसे तो हमको बचाना चाहिए। बाबा साहब स्टैच्यूज में नहीं है, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब किताबों में है, संविधान में है, उनके राइटिंग स्पीचेस में है, वहां पर बाबा साहब। आज क्यों डर लगता है इस शासन को, प्रशासन को बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैच्यू से क्यों डर लगता है? क्यों डर रहे हैं ये? उनके 33 करोड़ देवी देवता ढो रहे हो ना आप लोग? उनके 33 करोड़ देवी देवता आप लोग ढो सकते हो क्या? एक बाबा साहब की मूर्ति इनको हजम नहीं होती? इन्हें डर है कि बाबा साहब के विचार ये आने वाली जनरेशन को अगर पता चल जाए तो ये 33 करोड़ देवी देवता आपके घरों में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन्हें डर लगता है इस बात का। वो तो है। तो इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के विचारों के ऊपर उस तरह से चलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान आज हम लोगों को दिया है, वो संविधान आज इस देश से नष्ट करने की ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। संविधान दिए हुए कितने साल हो गए? 72 ईयर्स हुए।
आज 2021 चल रहा है, 1950 में संविधान लागू हुआ, कितने ईयर्स हो गए, 71 ईयर्स। मनुस्मृति कितने सालों तक थी, 2500 साल। कितने साल, 2500 साल। और संविधान कितने साल का है, 70 साल का। 2500 साल के मनुस्मृति को 70 साल के संविधान से डर लगने लग गया है। उन्नीस में जब संविधान लागू हुआ, अगर समझो उस समय हमारा एक बच्चा पैदा हुआ है तो आज वो कितने साल का होगा, 70 साल का। यानी सिर्फ एक ही पीढ़ी, एक पीढ़ी सिर्फ संविधान के दायरे में आई है, अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी संविधान के दायरे में आई भी नहीं है। मनुस्मृति में कितनी पीढ़ियां गई हमारी, हजारों पीढ़ियां गई। 2500 साल औसतन उम्र, अगर हम सोचते हैं कि 100 साल की उम्र हमको उस समय मिलती होगी, तो 25 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति में थी। तो एक पीढ़ी से इतना डर क्यों लग रहा है, रिजर्वेशन बंद कर दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, बीपीसीएल बेच दो। आपको लगता होगा प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये संविधान को उस क्षेत्र से हटाने का काम चल रहा है। अगर बीपीसीएल पब्लिक सेक्टर है तो संविधान वहां पर लागू है, अगर बीपीसीएल बेच दिया अडानी अंबानी को, क्या उस पर संविधान लागू होगा। रेलवे आज भारत सरकार का उपक्रम है तो संविधान उसके ऊपर लागू है, अगर रेलवे अडानी को बेच दिया क्या संविधान उस पर लागू होगा। तो ये रेलवे बेचा नहीं जा रहा, ये एयर इंडिया बेची नहीं जा रही, ये आपके पब्लिक सेक्टर बेचे नहीं जा रहे, वहां से संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। क्यों, एक पीढ़ी हमारी वहां पर आई है और एक ही पीढ़ी में आपको संविधान से इतनी दिक्कत होने लग गई। 25 पीढ़ियों से संविधान आपके मनुस्मृति में हम लोग जी रहे थे, अब एक पीढ़ी हमारी यहां पर कंप्लीट भी नहीं हुई है। 100 साल अगर उस व्यक्ति को पूरे होने हैं तो अभी और 30 साल बाकी है। मैं आपको बताता इनको संविधान से दिक्कत क्यों है, क्यों ये संविधान से डर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का एक उदाहरण आपको बताता हूं कि क्यों ये संविधान को इतना काटते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी छोटे थे, कुछ 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनके पिताजी रामजी बाबा ये मिलिट्री में, जैसे यहां पर महू में उनके पिताजी का ट्रांसफर हुआ था और यहां पर ही बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उसी तरह से उनके पिताजी का ट्रांसफर होते रहता। रामजी बाबा का ट्रांसफर हो गया और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी वैकेशन लग गई, छुट्टियां लग गई, तो पिता को लगा कि अपने बच्चों को मिल लेना चाहिए। तो अपने पिता ने, बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता ने, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से टेलीग्राम किया कि बच्चों छुट्टियां अगर लग गई है तो मुझे मिलने के लिए मेरे कैंप पर आ जाओ, ये ट्रेन पकड़ो और ये ट्रेन पकड़कर यहां पर उतरो, मैं आप लोगों को लेने के लिए आ जाऊंगा, किस दिन निकलने वाले हो उसका टेलीग्राम जरूर कर देना। रामजी बाबा ने बाबा साहब को टेलीग्राम करके बुला लिया। बाबा साहब ने टेलीग्राम करके अपने पिता को बता दिया कि हम इस तारीख को निकलेंगे और इस दिन स्टेशन पर आ जाएंगे, आप हमको लेने के लिए आ जाएंगे। अब ये टेलीग्राम रामजी बाबा को मिला ही और बच्चे निकल गए, ट्रेन में बैठकर स्टेशन पे आकर खड़े हो गए, ट्रेन आकर उनको छोड़कर चली गई, सारे लोग चले गए, ये बच्चे स्टेशन पर अपने पिता की राह देख रहे हैं कि हमारे पिता अब आए नहीं। अब पिता को पता ही नहीं कि बच्चे कब आने वाले। स्टेशन मास्टर ने देखा कि सब लोग चले गए, ये बच्चे यहीं खड़े हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कि कहाँ जा रहा है, कपड़े से तो अच्छे घर के लग रहे हो, सवर्णों के बच्चे लग रहे हो, कहाँ जा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे पिताजी मिलिट्री में ऑफिसर है, हमको इस पते पर जाना।
तो उस स्टेशन मास्टर ने वहीं पर नजदीक में बैलगाड़ी वाला खड़ा था, उसको बुलाया कि देखो ये मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे हैं, इन्हें यहां पर छोड़ दो। तो उस बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा दिया और वो बैलगाड़ी रामजी बाबा जहां पर थे वहां के लिए निकल पड़े। बैलगाड़ी शुरू होते ही वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करने लग गया कि तुम कहां से आए हो, कौन सा गांव है, जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति पता चली, बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दिया कि तुम तो मुझे सवर्णों के बच्चे लग रहे थे, तुम तो अछूतों के बच्चे हो, अभी के अभी नीचे उतरो। सभी बच्चे नीचे उतार दिए गए। बाबा साहब ने कहा कि ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको छोड़ दो, हमको हमारे पिता के यहां छोड़ो। तो बैलगाड़ी वाला बोला पैसे दे रहे तो इनको छोड़ता हूं, लेकिन तुम लोग अछूतों के बच्चे हो इसलिए मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते, मेरे बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते आना, मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठना। और जब तुम थक जाओगे तब मुझे बताओ, अगर बैठना तब मैं नीचे उतर जाऊंगा, तुम्हारे बगल में नहीं बैठूंगा। और फिर बाबा साहब का ये सफर शुरू हो गया। 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब, सारे बच्चे, बाबा साहब के भाई सब थक गए। उन बच्चों ने, बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास वो पानी है, मुझे थोड़ा सा पानी दो, मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पानी नहीं पिला सकता क्योंकि तुम अछूतों के बच्चे हो, मैं अपना पानी नहीं पिला सकता, लेकिन अगर आगे कोई तालाब आता है, नाला आता है तो मैं गाड़ी रुका दूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। बहुत दूर चलने के बाद भी कोई तालाब नहीं आ रहा था, कोई पानी का ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा था। उस बैलगाड़ी वाले को दया आई, उसने देखा कि आगे कुछ पानी दिख रहा है, उसने बैलगाड़ी रोकी और बच्चों को कहा कि देखो वहां पर थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। और सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के यहां गए, देखा तो वो तो कीचड़ है, कीचड़, लेकिन प्यास लगी है। वो सारी मिट्टी बाबा साहब ने हटाई और अपने आप को झुकाकर बाबा साहब ने मुंह लगाकर उस कीचड़ में से गंदा कीचड़ का पानी बाबा साहब ने पिया। कपड़े गंदे हो गए थे, मुंह पे मिट्टी लग गई थी। थोड़ी देर में बाबा साहब अपने पिता के यहां पहुंचे। जैसे ही पिता के यहां पहुंचे, पिता को गले लगाकर बाबा साहब रो रो कर, फूट फूट कर रो रहे थे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों इसने किया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है। और फिर उसी बच्चे ने बड़े होने के बाद इस देश को ऐसा संविधान निर्माण करके दिया जो सिर्फ इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का सर्वोत्कृष्ट संविधान माना गया, ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया। पानी का बोतल को दो। मनुस्मृति के कानून के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मनुस्मृति का कानून था जब बाबा साहब छोटे थे तभी। आज कौन सा कानून है? संविधान का। मनुस्मृति के कानून में कीचड़ का पानी बाबा साहब पीते थे, संविधान के कानून में बिस्लरी का पानी हम पीते थे। कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा, और कितने सालों में? 70 सालों में। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता था, संविधान के कानून में हम हवाई जहाज उड़ाते थे। 70 साल में। मैं थोड़ा सा बंबई से हूं इसलिए मेरी भाषा थोड़ी खराब है, इसलिए उस भाषा का प्रयोग करता हूं, माता बहने मुझे माफ करें। ये 70 साल के संविधान से 2500 सालों की मनुस्मृति की फट रही है, फट गई है इनकी कि और 5 साल अगर रहा
और अगर 5 साल इस देश में संविधान रहा तो ये लोग तो पीएम बन जाएंगे, ये लोग हम पे राज करेंगे। और इसलिए ये सभी माध्यम से, चाहे वो प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, संसद हो या मीडिया हो, सभी माध्यम से संविधान को खत्म करने पे तुले हुए, सभी माध्यम से। और इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने पहचाना कि हमारा संघर्ष पुलिस से नहीं है, हमारा संघर्ष प्रशासन से नहीं है, हमारा संघर्ष मनुस्मृति के कानून के व्यवस्था से है। और इसलिए बाबा साहब ने उस व्यवस्था को उल्टा किया, बाबा साहब ने उस व्यवस्था को, आप संविधान घर पे जाके पढ़िए, आर्टिकल 13 पढ़िए, संविधान की किताब है आपके पास, गूगल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आर्टिकल 13 में क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब लिखते हैं कि आज से यानी 26 नवंबर 1950 और 26 जनवरी 1950 की आज से इस देश में जितने भी कानून हैं, जितनी भी मनुस्मृति है, वो आज से मैं शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मनुस्मृति की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं मध्य प्रदेश में आकर भी बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण नहीं कर पा रहा, और हम इनके सूचना का पालन करेंगे, कलेक्टर के, एसपी के, प्रशासन के सूचना का पालन करेंगे। उन्होंने कहा ना नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस धरती पर, जिस राज्य में बाबा साहब का जन्म हुआ, उन बाबा साहब आपके अनुमति के मोहताज नहीं है। आप अगर यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने नहीं दे रहे हो तो क्या बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा या बाबा साहब अंबेडकर जी की आइडेंटिटी कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको मेरे साथ हुआ किस्सा बताता हूं। मैं संयुक्त राष्ट्र के मीटिंग के लिए, यूनाइटेड नेशन के मीटिंग के लिए, जब मैं, मेरे ख्याल से जापान में था, जापान या वियतनाम में था, 125 देश के प्रतिनिधि वहां पर थे, खुद इस देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी वहां पर थे। हम लोग 25 से 30 हजार लोग 5 दिन के लिए वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हम क्या करते थे, अलग अलग देश के लोगों से जान पहचान करते थे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से, जापान के लोगों से, चाइना के लोगों से, अलग अलग देश के लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। और वो अलग अलग देश के लोग भी सभी देश के लोगों के साथ पहचान कर रहे थे। लंच ब्रेक में जब हम लोग घूम रहे थे तो चाइना के लोग हमारे सामने आए, चाइना के कुछ बंते जी, चाइना के कुछ डेलीगेट्स, और उन्होंने हमको सवाल किया कि आप लोग कौन से देश से हो, विच कंट्री? तो हमने उनको जवाब दिया, इंडिया, भारत से हम लोग। क्या कहा पता है चाइना के लोगों ने, एक 2 साल पहले की बात है, चाइना के लोग उस समय उन्होंने हमको जवाब दिया, ओ अंबेडकर से लिया। आज भी इस देश की पहचान मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं होती, अंबेडकर के भारत के नाम से। चाइना में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का वेटिंग फॉर वीजा वहां पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मेरे फेसबुक पेज पे कभी आप विजिट करो, मेरे ख्याल से फरवरी 2019 और 2020 के तारीख में अगर पीछे जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया का एक लाइव वीडियो मैंने किया है। ऑस्ट्रेलिया का कोर्ट, न्यायालय, आम आदमी का नहीं, जहां पर जजेस को पढ़ाया जाता है, जज को पढ़ाया जाता है, उन जजेस की ट्रेनिंग बाबा साहब के प्रतिमा के सामने होती है। जाकर देखो मेरे फेसबुक पेज पे।
मूट कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर लगाई रखी है और सभी जज बाबा साहब को सामने रखकर पढ़ाई करते हैं। इस पिपराटा के या इस मेनगांव के कलेक्टर के परमिशन की जरूरत नहीं है बाबा साहब के आइडेंटिटी के लिए। बाबा साहब के वजह से आपकी आइडेंटिटी है और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, या आपको बाबा साहब की मूर्ति बनाने नहीं देते, या आपको बाबा साहब की मूर्ति लगाने नहीं देते, घर घर में अंबेडकर पैदा करो, घर घर में अंबेडकर निर्माण करो, यही बाबा साहब को सही आदरांजलि होगी, सही अभिवादन होगा। और जिस किसी बच्चे को परीक्षा में या पढ़ाई में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल कुछ अड़चन आती है, वो हम उठाने को तैयार है, वो हम आगे लेकर जाने के लिए उस बच्चे को तैयार है। और इसलिए मैं आज यहां पर आप लोगों के, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा का हम लोग वहां पर नमन करेंगे, उनको अभिवादन करेंगे। आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मुझे कई फोन आए आप नहीं आने के लिए कि आप मत आओ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, प्रोग्राम को परमिशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मूर्ति के आने वाले को परमिशन नहीं है, हम सभा को संबोधित करेंगे, हम सभा में जाएंगे। और इसलिए मैंने आपका दो दिन पहले का एक वीडियो देखा 27 सेकंड का, यहां की महिलाएं आगे आकर इस पुलिस प्रशासन को भगा रही है, पुलिस प्रशासन को भगा रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी आपको तो हम नहीं, हमारी महिलाएं काफी है, हमारी महिलाएं काफी है। और इसलिए आज, क्योंकि मुझे और आगे 3 घंटा और कुछ बोलना है, कुछ मैसेज देना है, तो बोल दीजिएगा, क्योंकि फिर आएंगे हम लोग वापस बाबा साहब अम्बेडकर जी के। अच्छा, ये तो बहुत लंबे चलेंगे टॉपिक्स, ये मुझे बहुत देर हो जाएगी इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेबर लॉस, बहुत एक, मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया क्यों ये संविधान में, ये सारे अधिकार संविधान में, आपके शिक्षा का अधिकार, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि 4 साल के बच्चे से लेकर 16 साल की उम्र तक इस देश में बच्चों को सरकार सिखाएगी, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल खत्म कर दिया, अब जिम्मेदारी की किनके ऊपर डाल दी है, अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर, रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, क्या हमारे बच्चे उस स्कूल में जा पाएंगे? तो इस तरह से लेबर लॉ हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, ये सारे धीरे 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 खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि शाहीन बाग के लोग 6 महीने 9 महीने रास्तों के ऊपर बैठे हैं, फार्मर्स किसान 3 महीने से बैठे हैं, हमको एक दिन नहीं लगेगा, हमको एक भी दिन नहीं लगेगा। भीमा कोरेगांव का इतिहास हमारा इतिहास है, हमको एक दिन नहीं लगेगा। हमारे संविधान के साथ, हमारे साथ छेड़खानी आप लोग मत कीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं ये जो नागपुर के कैमरे यहां पर लगे हैं उनको भी बताना चाहता हूं, मैं उनको डायरेक्ट मोहन भागवत को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भागवत जी, हमारी दुश्मनी ना तो मोदी से है ना तो अमित शाह से, हम मोदी को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम अमित शाह को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे। मैंने जैसे आपको कहा ना, ये तो पत्थर है, पत्थर को कौन काटेगा? हम किसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं भागवत जी? थोड़ा सा मैं नीचे होता हूं, कैमरा में नीचे आने के लिए। भागवत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहन भागवत कान खोलकर सुन ले, हम मोदी को या अमित शाह को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मोदी और अमित शाह जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं उस फैक्ट्री को हटाने का काम, उस फैक्ट्री को। और मेरे पास सबूत है कि आरएसएस ये आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ, यहां पर पुलिस वाले भी हैं, क्या किसी के घर में बंदूक मिली तो वो टेररिस्ट है कि नहीं?
है ना। किसी के घर में तलवार मिली तो वो टेररिस्ट है कि नहीं? तो फिर संघ में AK-47 की पूजा आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी है? संघ के मुख्यालय में तलवारों की पूजा इस देश का प्रधानमंत्री करता है कि नहीं करता है? क्या किसी का भी लाइसेंस AK-47 का लाइसेंस भागवत के पास है? तो क्या भागवत का ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ये बात मैंने लिखकर यूनाइटेड नेशन को दी है कि इसको बंद करवाओ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहां किसको देना है? प्रेसिडेंट को, जो खुद लोगों के पैर पड़ रहा है उसके पास देना है? इसलिए ये सारी बातें, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर, मैं तो चाहता हूं कि आप अरेस्ट करो। मैं सिर्फ बाबा साहब का परपोता नहीं हूं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी भी हूं, 125 देशों का सेक्रेटरी हूं। तब मैं बताऊंगा कि भारत में मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे जेल में डाला जाता है, तब पूरा विश्व मेरे लिए खड़ा है। और ये सिर्फ मीडिया के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर, इंडिया टुडे के ऊपर मेरे लिए लिख देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये दाऊद इसको फंड करता है, पाकिस्तान पैसे देता है, सिर्फ इतना लिखते हो, इतना न्यूज चलाते हो। और बीजेपी के एक एमपी ने अमित शाह को मेरे नाम से लेटर लिख दिया कि इसको अरेस्ट करो। मैं बोला करो करो, ताकि वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनाइजेशंस मेरे लिए फाइट वहां से करेंगे, वहां से करेंगे। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हमको ऐसा संगठन देकर गए, जिस संगठन के ये नेतृत्व कर रहे हैं, जिस संगठन का मैं काम कर रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जाते जाते बाबा साहब अंबेडकर जी हमको 125 देशों के साथ जोड़कर चले गए। इस देश के नालायक लोगों के हाथों में अगर देश चला गया तो डरो मत, ये 125 देश तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग भी बाबा साहब की इस संस्था से जुड़ो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ो। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपकी ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इनके गाल पर भी अगर किसी ने चाटा मार दिया तो 125 देश के लोग यहां पर हमारे सुरक्षा के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप लोगों ने चिट्ठी भेजी, आप लोगों ने देखा होगा किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही थी, यूपी से आने वाले, हरियाणा से आने वाले किसान वहां पर ना पहुंचे इसलिए बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे थे, दीवारें लगाई जा रही थी। एक मैसेज आया सिर्फ यूनाइटेड नेशंस से, एक मैसेज क्या, कि इन लोगों को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, भारत सरकार उनको नहीं रोक सकती। तब से इन्होंने दीवारें हटानी शुरू कर दी, एक मैसेज आया। अभी इन्होंने खिल्ले लगाए, फिर से मैसेज आया कि आप लोग ये नहीं कर सकते, खिल्ले उखाड़ना शुरू कर दिए। भारत के बाहर हमारे सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, यूनाइटेड नेशंस काम करता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करता है, USCIRF काम करता है। हम लोगों को पता है कौन से संगठन है जो हमारा आवाज भारत के बाहर से हमारे लिए खड़ा करते हैं, वहां तक जाने का काम भी मैं कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस में हमारी बातों को रखने का काम कर रहा हूं, EVM के खिलाफ वहां पर पिटिशन डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए इस मूवमेंट से भी आप लोग जुड़िए, और यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को जाते जाते एक ही बात बताना चाहता हूं, आज आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया कि बाबा साहब का वंशज है, बाबा साहब के घर का या परिवार का कोई सदस्य है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब के चार बच्चे मरे तब बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने का काम नहीं कर रहे थे, आपके बच्चे नहीं मरने चाहिए इसलिए बाबा साहब काम कर रहे थे।
इसलिए मैं जो यहां पर खड़ा हूं ये बाबा साहब का वंशज नहीं है, ये जो मेरे यहां पर खड़े हैं ये बाबा साहब के श्री वारिस है, ये जो मेरे यहां बैठा है ये बाबा साहब का खून है। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब ने जो हक और अधिकार हम लोगों को दिए हैं उसको बचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। बाबा साहब को यही सच्ची आदरांजलि होगी, यही सच्चा अभिवादन होगा। और मैं फिर से आप लोगों के मेघगांव पिपराटा के लोगों को दिल से सलाम करता हूं कि बाबा साहब के सिर्फ एक मूर्ति के लिए, एक प्रतिमा के लिए अगर आप इतना झट सकते हो, लड़ सकते हो, तो बाबा साहब के अधिकारों को बचाने के लिए भी आप लोगों को इसी तरह से आगे आना होगा। यही आज बात में यहां रखता हूं। और सभी जो आयोजक है, सभी आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और यही रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भूम। समस्त साथियों से निवेदन है बैठ जाए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। समस्त दो मिनट बोलूंगा, बहुजन समाज में जन्म समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए इस मैदान में पधारी तमाम महिलाएं, तमाम बहनें, तमाम युवा साथी, तमाम सम्मान दिवंगत साथियों को मैं प्रार्थना करे जय भीम जय भोले जय भिस्ता पेश करता हूँ। सम्मानित डॉक्टर अम्बेडकर साहब, ये पंक्ति में बैठी आगे मेरी बहनें, बीच में बैठी मेरी मेघराज की माता है,